Thank you, Saima, for introducing me and Azisha for the kind invitation. Colleagues, friends, you may be a lady or a gentleman. Thank you for coming over and thank you for inviting me. I'll talk about management of dengue. It says update, but there's not much update on that. Whatsoever is there, I'll talk about that at the end of my presentation. You know, dengue is endemic in Pakistan, with outbreak usually coming following the monsoon time period, which is approaching. And I would say it, unfortunately, our younger colleagues are the ones who usually manage these patients. And it's most unfortunate that they perhaps know their job well, but the most not well understood part of their training is fluorotherapy. And fluorotherapy is the fluorotherapy is the cornerstone in the management of severe dengue. तैयबा सेकंड स्पीकर है इस सेशन में, तो मैं शाह साहब को कहता कि डेंगू का सब्जेक्ट उसको दे देते, क्योंकि वो जब से डेंगू पाकिस्तान में हमने रेकग्नाइज किया है, वो तो बहुत अरसे से रहा था, तो उस वक्त से वो डेंगू एक्सपर्ट ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है, तो एक तरह की ऑफिशियल वॉइस है हमारी, तो मेरी जगह पर वो बात कर लेती, लेकिन मेरा अपनी थोड़ा सा जैसे आपने प्रोफाइल देखा ना, नीचे आप मेरा प्रोफाइल देख रहे हो, तो सो अनफॉर्चुनेट कि मेरा पाकिस्तान से कोई प्रोफाइल में चीज़ नहीं है, सो ऑल इंटरनेशनल। मैं यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा या समझा नहीं जाता काम करने के काबिल, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा है। आगे कैसे मेरी इंटरेस्ट डेंगू में उस वक्त से है जब से आप में से शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए। 1989 में मेरी डिसर्टेशन मैंने लिखी डेंगू हेमरेजिक फीवर इन थाईलैंड, क्योंकि यहाँ होता नहीं था, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से वहाँ ट्रेनिंग के लिए और रिसर्च डेटा कलेक्शन के लिए गया। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो 92 में मैंने फर्स्ट टाइम एक दो आर्टिकल पब्लिश किए पाकिस्तान पीडियाट्रिक जर्नल में डेंगू के बारे में, और उस वक्त हमारे लोगों को डेंगू का नाम डेंगू पता था, डेंगू कोई नहीं कहता था, डेंगू कहते थे सारे। और स्प्रेड कैसे होता है, वो इस तरह से होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब पहला केस देखने के लिए पिंग्स हॉस्पिटल में गया, तो जो प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड की गई वो मास्क, ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त तक डेंगू के बारे में। फिर उसके बाद से ये 6-7 पब्लिकेशन है हमारी, और एक्सपर्ट ग्रुप वालों ने भी गाइडलाइन काफ़ी थी, लेकिन सबसे पहली गाइडलाइन पाकिस्तान में जो बनी थी वो हमने बनाई थी इन्फेक्शन डिजीज ग्रुप के वसत से, और ये जो नीचे वेबसाइट है वो, और जो PTA की वेबसाइट पे है उस पर आज भी पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। है तो पुरानी, लेकिन ये याद रखो कि चेंज कोई ज़्यादा नहीं है, ये एप्लीकेबल अभी भी है। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, जो पहले थी 2009 के बाद न्यू क्लासिफिकेशन आ गए, बट द ओनली पॉइंट टू know it that dengue infection
हैज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस. एक मॉस्किटो, एक वायरस, एक बाइट, बीमारी क्या होनी है ये पूरा टेबल आपके सामने है. किसी को कुछ भी नहीं होना, किसी को नॉन स्पेसिफिक फीवर होना है, किसी को क्लासिकल डेंगू होना है, और किसी को डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाना है. और फिर जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है उसमें भी तकरीबन 1/3 जो है वो शॉक सिंड्रोम की तरफ जाए. और ये सब चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? ऑन द एज ऑफ द पेशेंट एंड इम्यून स्टेटस ड्यू टू प्रोसीडिंग डेंगू इन्फेक्शन. और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में. ये नई क्लासिफिकेशन है, थोड़ी सी सिंप्लीफाइड है. डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइंस एंड सीवियर डेंगू. हमारा फोकस ज़्यादा आज यहाँ पे सीवियर डेंगू पे होगा, क्योंकि डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस यू नीड पेन किलर्स एंड अदर हाइड्रेशन. डेंगू विद वार्निंग साइंस मेनी ऑफ दोज वुड बी डिस्चार्ज होम विद मॉडरेशन एंड ओदर हाइड्रेशन. और जो थोड़े से होंगे उनको आपको हॉस्पिटलाइज करना होगा, आईवी फ्लूइड देने होंगे और मॉनिटर करना. लेकिन ये जो ग्रुप है वो जो सीवियर डेंगू वाला है उन तमाम को हॉस्पिटलाइजेशन और आईवी फ्लूइड चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज ये सीवियर लीकेज लीडिंग टू शॉक एंड फ्लूइड एक्युमुलेशन which would aggravate the respiratory distress. Some of them would have severe bleeding. But remember one thing, majority, vast majority of your patient would, those who would die because of shock, not because of bleeding. So emphasis would be on management in terms of dehydration and fluid administration. Then there are organs, real organ involvement. Liver, CNS, heart are the most common with those which are involved. Dengue is unique in many ways. जैसे हम कहते हैं ना कि खाना हर जगह खाया जाता है, पर जो खाना गुजरा वाला में है ना वो गया. ठीक है, तो यूनिकनेस है ना. और उसमें आप कह देते हैं जी कि एक हमारे पास चीड़े बड़े अच्छे होते हैं, हालां जाली होते हैं. फिर उसके बाद ये होता है कि हमारा देगी रोस्ट बहुत अच्छा होता है. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे है कि डेंगू भी यूनिक है. तीन फिनोमिना ऐसे हैं जो किसी और बीमारी में नहीं होते. ठीक, क्या क्या है? एक तो ये है कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो चाहिए डेंगू हेमरेजिक फीवर करने के लिए, प्राइमरी इन्फेक्शन से. नंबर टू ये है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट वायरस रेप्लिकेशन हो. एंटीबॉडीज को हम समझते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं, कंट्रोल करते हैं. लेकिन यहाँ पे एक ऐसी फेज आती है कि जिसमें एंटीबॉडी वायरस की सेल एंट्री और उसकी रेप्लिकेशन को ऑगमेंट करते हैं. ठीक है, और उसकी वजह से फिर बहुत सारे ऐसे हमारे कैस्केड ऑफ इवेंट्स होते हैं कि जिसमें कोएगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें आपका कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आ जाता है. और ये तमाम चीज़ें मिलके जो जो कुछ करती हैं, एक लीकेज करती हैं और एक ब्लीडिंग करती हैं, ये उसका ही करती है. और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम फिर इसका कॉन्सिक्वेंट, जैसे मैंने बताया आपको, वो प्लाज्मा लीकेज. इस वर्ड पर गौर कीजिएगा, ये प्लाज्मा लीकेज. प्लाज्मा लीकेज का क्या मतलब है? इट्स नॉट ओनली फ्लूइड व्हिच लीक्स, ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर देयर इन प्लाज्मा विल आल्सो लीक. ठीक है,
और स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट पदोटीन बोला उसको। ये बाकी तमाम शॉक जो है वो सबसे मुख्तलिफ है इसके आज। तो इसमें पूरा प्लाज्मा ही लीक है, सिर्फ फ्यूरो लीक नहीं। तो इसलिए जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो आपको याद रखना चाहिए। ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब आपको फोर्थ सीरोटाइप में इफ देयर इज डेंगू वाली इन्फेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड फॉर लाइफ टर्म अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन। अगर सेकेंड टाइम डेंगू वन होगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, दे आर सीरोटाइप ऑफ सेम वायरस, सो देयर इज सम हेटरोजेनेसिटी, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है। सो देयर इज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू अदर थ्री एंटीबॉडी वायरस से गैस में, ठीक है। डेंगू वन में तो बहुत हो गया, लेकिन टू थ्री में कम होता है, और छः महीने के बाद वो प्रोटेक्टिव लेवल से नीचे आ जाता है। और ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन सिक्स मंथ टू फाइव ईयर जो रेड शेडेड है, दिस इज अ क्रिटिकल फेज वेयर देयर इज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन विद अ हेटरोलोगस सीरोटाइप, यू आर अ कैंडिडेट टू हैव डेंगू, ठीक है। तो इसलिए बड़ों में ज़्यादा नहीं होता, ये बच्चों में ही होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद पाँच साल के अंदर दूसरी आई और आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर हो। आप ये याद रखें, हमारे यहाँ ये बहुत मिसकंसेप्ट है कि ये एडल्ट्स की बीमारी है या ये है प्लान, ये बच्चों की बीमारी। लेकिन लाइक कोविड जब आप एक चीज़ इंट्रोड्यूस होती है आपके इम्यूनिटी में, जहाँ पहले नाइव है कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो सबको ही होगा ना। लेकिन जब सेटल हो जाता है, इंडेमिक होता है, तो इंडेमिक ये बच्चों, ये मेरा ख्याल है सबसे अहम स्लाइड है। इसको समझिए, आपको सारी मैनेजमेंट समझ आ जाएगी। दो फिनोमिना है लीकेज, और दूसरा फिनोमिना है अच्छा, ये एक तो लीकेज है और एक हेमरेज है, ओके। तो ये लीकेज है, एक बात को बहुत अच्छी तरह समझिए कि ये वास्कुलर स्पेस है, ये इंटरस्टिशियम है, नॉर्मल क्या है, बैलेंस है, होमियोस्टेसिस है। जब लीकेज होगी तो क्या होगा, फ्लूइड वास्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियम में लीक होगा और विसरल कैविटीज में लाएगा, लाइकोसाइटिस हो जाएगी, प्लूरल फ्लूइड हो जाएगी, बॉडी से लूज नहीं हुआ। रिमेंबर, दो फिनोमिना हो गए, एक इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट श्रिंक कर गया, हाइपोवोलेमिया हुआ, सीवियर हो गया तो शॉक हो गया। दूसरा क्या हुआ, एडिमा हो गया टिश्यू में, ऑर्गन्स में असाइटिस होगी, ब्लूरल फ्लूइड होगी, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडिसेस फर्दर कॉम्प्रोमाइज हो गए इन अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी इन शॉक, ठीक है। लेकिन ये लीक नहीं हो गया, लीक हो गया बॉडी से नहीं एक्सपी, एंड एट द एंड ऑफ द लीकेज टाइम दिस फ्लूइड वुड रिवर्ट बैक टू द वास्कुलर कंपार्टमेंट। और इस अवस्था में आपने आईवी फ्लूइड दिए नहीं, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि ड्यूरिंग रिकवरी वास्कुलर कंपार्टमेंट वुड स्वेल अप एंड देयर विल बी ओवरलोड, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग फ्लूइड। यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, यू हैव टू गिव एनफ फ्लूइड टू ब्रिंग योर पेशेंट आउट ऑफ हाइपोवोलेमिया एंड शॉक, बट बी माइंडफुल that you could give only that much of fluid which is essential for ये बदल नहीं दे सकते। वो इसलिए कि फिर उसके बाद जब ये होगा, ओवरलोड होगा,
तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी शॉक से बुरे हैं। तो रिमेंबर दिस, जब फ्लूइड दे गया ये टाइम पीरियड है। क्रिटिकल फेज इज फ्रॉम 6 to 9 days आफ्टर द ड्यूरिंग द इलनेस। और ये जो है वो प्रोसीड करता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और राइज इन हेमेटोक्रिट। और होता कब ये है? एट द टाइम ऑफ डिफ्लरेशन ऑफ फीवर, बुखार उतरने के साथ। ये याद रखो, जब तक आपको बुखार है आप सेफ हो, आप शॉक में नहीं जा सकते। शॉक में आप तभी जाओगे जब बुखार उतर जाएगा। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि टाइम पीरियड वो कौन सा है जब आपने ज़्यादा तवज्जो कर दी। हमारे यहाँ ये होता है बुखार उतर गया तो सब अच्छा ही होगा, नहीं ये नहीं होगा। डेंगू में इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान करना होगा। इस तरह का रैश किसी पेशेंट में देख लो, इसको कहते हैं वाइट आइलैंड ऑन रेड सी। ये सफेद सफेद आपको नजर आ रहे हैं, बाकी सारी एरिथेमेटस है। जब ये रैश हो जाए ये रिकवरी रैश है। जब इसको देख लो पेशेंट को घर भेज दो कि पेशेंट वुड रिकवर। इसके बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये शॉक में नहीं जाएगा, ये उनमें होगा जो रिकवरी में चले। फ्लूड जो देना है, जैसे मैंने बताया कि बहुत कॉशियस है आप इसके लिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, M+5%। M इज द मेंटेनेंस फ्लूड। आप ये वो साइकिल फॉर्मूला है, ये हर जगह अप्लाई करते हैं कि पहले 10 kg के लिए क्या है, बाद में कितना है। उसमें 5% ऑफ एडिशनल आप ऐड कर लेंगे और टोटल वॉल्यूम फ्लूड का कैलकुलेट कर लेंगे। और जब आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो उसके बाद में ये है कि ये याद रखिएगा कि आपको या तो कैलकुलेट करना है एक्चुअल वेट पे या करना है आइडियल वेट, ठीक है? और इन दोनों में से जो कम होगा उस पर करना। एक्चुअल भी पता होना चाहिए, आइडियल भी पता होना चाहिए। जो कम होगा उसकी बेस पे आपको ये कैलकुलेट करना है। और ये जो आपने कैलकुलेट किया है ना, ये सारे का सारा फ्लूइड आपका एक तरह का कोटा है। कि अगर शॉक वाला पेशेंट है तो आपने ये 24 hours में उसको देना है डिस्ट्रीब्यूट करके। अगर नॉन शॉक वाला है तो आपको उसको 48 hours में देना है। यूज एंड आउटपुट मॉनिटरिंग इज वेरी असेंशियल टूल इन मॉनिटरिंग। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 0.5 to 1 mL/kg/hour। और ये जो वजन है ये एक्चुअल वजन है, ये लोएस्ट वाला नहीं है, ये एक्चुअल, ठीक। अगर आपका यूजन आउटपुट 4 mL/kg पर आ रहा है, कुछ मत हो, ये यू आर डूइंग बैड। यू हैव टू कीप इट बिटवीन 0.5 to 1, क्योंकि 4 आ रहा है तो उसके बाद ओवरलोड आ रहा है, आपने ज्यादा लिया, ठीक है? और कोई फ्लूड आप दे रहे हैं, ओरल, बोलस, ब्लड, प्लेटलेट, ये सब इस फ्लूड के अंदर अंदर आपने देना है। क्वांटिटी सारी टोटल ही होगी। ये एक रफ गाइड है लीकेज के बारे में, जिसमें दो चीजें नोट कर लें कि क्रिटिकल स्टेज डू नॉट लास्ट लॉन्गर देन 48 hours, नो नीचर नहीं है, जस्ट 48 hours, ठीक। और नंबर टू क्या है? द मैक्सिमम लीकेज कुड बी 7 mL/kg/hour। ये दो चीजें नोट। इसका इंपैक्ट क्या है? ये आपको फ्लूइड थेरेपी बताता है। ये वो पेशेंट है जो शॉक में नहीं है, लेकिन क्रिटिकल फेज में एंटर हो गए हुए हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या बनता है? यू मे बिगिन विद 10 ml, 5 to 10 ml/kg/hour, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन। लेकिन आप देखें कि आप हर ये लाइंस नीचे की तरफ आ रही है, मीन्स के लीकेज जैसे जैसे कम होती जाएगी, आप फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कम कर देंगे 6 घंटे के बाद 3 to 5 ml/kg/hour, और 12 घंटे के बाद 1.5 to 3 ml/kg/hour,
और उससे अगले 12 घंटे के अंदर 1.5 ml पर केजी पर आर और जैसे ही बच्चा उधर लेना शुरू हो जाए उसको शिफ्ट कर दीजिए। ये नॉन शॉक पेशेंट के लिए गाइडलाइन है। आपने जैसे पिछली स्लाइड में भी देखा तीन ट्रायंगल हैं, वो तीन ट्रायंगल एक्चुअली इसलिए हैं कि ये तो हाइपोथेटिकल मॉडल है ना, रियल वर्ल्ड तो नहीं है। तो कुछ लोग अगली लीकर भी हो सकते हैं जिसमें आपको ज़रा तेजी से फ्लूड बढ़ाने हैं और कुछ लेट लीकर भी हो सकते हैं। ये एक एल्गोरिथम है, इसकी तस्वीर ले लो, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये हर किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जब भी पेशेंट शॉक में आता है, ग्रेड जिसको आप ग्रुप सी कहते हैं, ये शॉक है। शॉक का मतलब पता ना आपको, एक पेशेंट आता है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कुछ हम देखते हैं और उसका ब्लड प्रेशर है 100/85 और 4 साल उसकी उम्र है, क्या ये शॉक में है कि नहीं है? क्या ये शॉक में है कि नहीं है? बोलिए जरूर। ये शॉक में है इसलिए कि पल्स प्रेशर लेस देन 20 है। So it's not only blood pressure which matters, the most important parameter perhaps is the pulse pressure. ठीक है, और आपकी नसें नहीं है इसको जानती, इसलिए आपको खुद भी और उनको ट्रेन करना है कि मुझे पल्स प्रेशर बताओगे। ठीक है, इनिशियली आप क्या कर रहे हो, बोलसेस दे रहे हो और जो सॉल्यूशन यूज करते हैं 0.09% सोडियम क्लोराइड, यही देखो टू बोलसेस, और जैसे इम्प्रूव करे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जो मैंने पिछली स्लाइड पे बताया कि 10 ml से शुरू हुआ अब ग्रेजुअली रिड्यूस किया। अगर दो बोलसेस के बाद आपका पेशेंट इम्प्रूव नहीं करता तो फिर आपको कोला और उसका भी बोलस देना है 10-20 ml पर केजी, क्योंकि हम ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते, इसलिए वहाँ पे कोलाइड देंगे जो ऑन्फोटिक प्रेशर एग्जर्ट करके फ्लूइड अंदर लेके आएंगे। और एक बोलस दे के फिर आपने असेस करना है, और अगर बेहतर हो जाता है पेशेंट तो स्टेप डाउन करो अगले एक घंटे के लिए और उसके बाद फिर इस तरफ चलेंगे। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि यहाँ ये है कि पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा और मेटोक्रेट जो है वो राइज कर रहा। यहाँ पे एक सिचुएशन है कि पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा लेकिन मेटोक्रेट कॉज कर रहा, दैट मीन्स ब्लीडिंग, एंड दिस ग्रुप ऑफ पेशेंट वुड रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी तमाम पेशेंट को आपने जो रिकमेंडेड इंट्रावीनस फ्लूइड 0.9% सोडियम क्लोराइड दें। ठीक हो गया, कोई सवाल हो तो जरूर रोक लीजिएगा। कोलाइड की इंडिकेशन हमने आपको बता दी है, मॉनिटरिंग इज की। अगर आप पेशेंट अपना मॉनिटर नहीं कर सकते 24 घंटे के लिए पूरा एक पेशेंट को एक पैकेज के तौर पे तो मत एडमिट कीजिए, क्योंकि ये जो कुछ ये नॉलेज है ये एग्जिस्ट करता है लेकिन पेशेंट की सिचुएशन डायनामिक है और हर इंटरवेंशन के बाद रिव्यू है और कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं कि ये करो वो करो, नहीं भाई, ब्लड प्रेशर देखो, पल्स प्रेशर देखो, यूरिन आउटपुट देखो और 4-6 घंटे के वक्फे के साथ प्लेटलेट और हेमोग्लोबिन देखो। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आसमान से लाई हुई चीज़ मॉनिटरिंग के लिए। अगर आप ये कर सकते हो तो यू कैन मैनेज योर पेशेंट। और इसमें कितना टाइम लगता है, एक मिनट, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है डेंगू में, ब्लीड, फ्लूइड ओवरलोड, एनसेफलोपैथी। ब्लीड के बारे में याद रखिए, ये ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन इज अ हॉलमार्क फीचर ऑफ डेंगू, बट ओवरट सीवियर ब्लीडिंग रेयरली अकर्स, एंड इफ दैट अकर्स दैट्स एसोसिएटेड विद प्रोफाउंड प्रोलॉन्ग शॉक।
तो शॉक को अगर आप मैनेज कर लो कि इनफैक्ट आप ब्लीडिंग के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। फ्लूड ओवरलोड एक बहुत बुरी चीज़ है। ये ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन है सिर्फ एक कि जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो। इसके अलावा प्लेटलेट या कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन की कोई इंडिकेशन नहीं है, बेशक प्लेटलेट काउंट 15,000 हुआ। ठीक है, और ये ओवरलोड के क्या नुकसान है, आप ये देख लो कितने सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, प्लूरल फीवर हो जाएगा, आपका पेशेंट ऑलरेडी हाइपोक्सीमिक है, फर्दर एग्रीगेट हो जाएगा, मायोकार्डियल डिस्फंक्शन हो जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, इसके अलावा आपके एसाइटिस हो जाएगी जो आपकी ब्रीदिंग में फर्दर कंप्रोमाइज करेगी। आप देखें लीवर किडनी जो मेजर ऑर्गन है सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक बात और याद रखें, 1% ओवरलोड 6 times मॉर्टेलिटी बढ़ाता है। 1% ऑफ ओवरलोड फ्लूइड 6 times मॉर्टेलिटी बढ़ाता है। ठीक है, और ये एक बात और याद रखिएगा, उतने लोग शॉक से नहीं मरते जितने ओवरलोड से। तो इसलिए आपको कब फ्लूइड देना है, कितना देना है, सोच समझ के करना है। फ्लूइड ओवरलोड के फीचर आपको पता है कि या तो ज़्यादा दे दिया है, लंबे देर के लिए दे दिया है, या इनअप्रोप्रिएट फ्लूइड दिया है, या लीकेज इतनी ज़्यादा है कि आप उसको मैनेज नहीं कर सके। साइंस फास्ट ब्रीदिंग, शॉक के साइन है, एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा है, साइनोसिस है, इरिवर्सिबल शॉक है, विदाउट शॉक ट्रीटमेंट ऑक्सीजन एंड फ्लूरोसेमाइड बेड रेस्ट, विद शॉक कोलाइड्स आइनोट्रॉप्स, नो डाइवर्ट, पहले आपने दिया यहाँ नहीं दिया, और ये खाली सिग्नल है कि मैं बस कर कई दफा आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है क्योंकि लग वॉल्यूम कंप्लायंस कम हो रही है और वेंटिलेट करना पड़ता है। तो ये एक कॉशन है, आपका पेशेंट शॉक से नहीं मरेगा, ये यकीन है, इतने काबिल आप हो कि शॉक से नहीं मरने दो, लेकिन इतने अनरिलायबल भी हो कि ओवरडोज से मरे। ठीक, एनसेफलोपैथी, हेपेटिक एनसेफलोपैथी होती है, ट्रीटमेंट उसी तरह से करेंगे। फ्लूइड थेरेपी के नुकसान क्या है, क्या क्या डेंजर है, अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करो वो हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा, अगर आप सोडियम क्लोराइड यूज़ करोगे जो आप कर रहे हो तो हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस हो जाएगा, ज़्यादा दे दोगे तो ओवरलोड हो जाएगा और उसी से आर्थराइटिस डिसफंक्शन हो जाएगा। तो क्या बड़ी टाइट रोप है ना, फ्लूइड देना भी है, अवॉइड भी करवाना है चीज़ों से, लेकिन ना एडिक्वेट दे सकते हो शॉक में रहेगा, ना ज़्यादा दे सकते हो। चॉइस क्या है आपके पास फ्लूइड्स की, क्रिस्टलाइट एंड कोलाइड्स। क्रिस्टलाइट में पढ़िए 0.9% सोडियम रिंगर्स, और नीचे आता है बैलेंस्ड ओब्लिक बफर सॉल्यूशन, इनके नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, आपने आइंदा ये करना है। ठीक है, और कोलाइड जो है वो डेक्सट्रॉन, जेलेटिन और स्टार्च। सॉल्यूशन हमें कैसे कैसे पता चले, ये देखो आपको शायद पहले ना पता हो कि सेलाइन हम ओवर 170 years यूज कर रहे हैं, 150 साल से ऊपर हो गया हमें सेलाइन यूज करते, सबसे फ्रीक्वेंटली यूज और सबसे यूजफुल सॉल्यूशन समझा जाता है। फिर उसके कुछ देर बाद रिंगल्स आया, लेकिन रिंगल्स को अपग्रेड किया गया, तो रिंगल लैक्टेट किया गया 1950 में, और उसके भी देखो कोई 50 साल के बाद ये बैलेंस्ड बफर सॉल्यूशन आया। ये बहुत सारे जो नाम आपको बताए यहाँ स्टीरो फंडल इसलिए लिखा है, ये पाकिस्तान में लिखा। ठीक है, इनकी कंपोजिशन देखिए जरा, ये है प्लाज्मा, आप बताइए प्लाज्मा के नजदीक तरीन इन तमाम फ्लूइड्स में से कौन सा है। क्विक आंसर, स्टीरो फंडल, क्यों बताओ, सब कुछ है जो
प्लाज्मा में, और नीचे आप उसकी ऑस्मोलैरिटी भी देख लीजिए। ये सही मानो में आइसोअल्कोहल ऑस्मोलर है, सोडियम क्लोराइड की ऑस्मोलैरिटी देखिए ज्यादा, ठीक है, और रिंगर्स की कम है। तो अब बात ये आ जाती है कि आप 0.9% सेलाइन को क्या बोलते हैं आम जुबान में, क्या बोलते हैं नॉर्मल सेलाइन। द क्वेश्चन इज हाउ नॉर्मल दिस नॉर्मल सेलाइन इज। वन फिफ्टी फोर सोडियम प्लाज्मा में कितना 142। ये क्या है मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। अच्छा कल हो रहा है 154 प्लाज्मा में कितना है 103 और ऑस्मोलैरिटी थी और 229। सोडियम ज्यादा प्लाज्मा से, क्लोराइड 50 टाइम मोर देन दैट ऑफ प्लाज्मा और ऑस्मोलैरिटी हाई। तो ना ये नॉर्मल है ना ये आइसो ऑस्मोलर है, ये सॉल्यूशन क्या है और इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि ये स्टडी से प्रूवन है कि ये हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस करता है। हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस क्या बता करता है कि ये जब मैकुला डेंसा में जाता है उसमें एंटर होता है तो ये आफरेंट आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, किडनी फ्लो को कम करता है और उसके बाद आगे चले जाए तो जीएफआर को कम कर दिया और यहाँ से क्लोराइड रीअब्सॉर्प्शन को प्रमोट करता है। द एंड रिजल्ट इज हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस विच इज इंजूरियस टू किडनी एंड कुड कॉज एक्यूट किडनी इंजरी। जिनका पहले किडनी कंप्रोमाइज है तो उसके लिए तो जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या है, आंसर इज द बैलेंस एंड बफर सॉल्यूशन। बैलेंस किसको कहते हैं, वो ऐसा चीज को जो पीएच को खराब ना करे, ना ऊपर ले जाए ना नीचे ले जाए और उसके बाद उसमें सब कुछ वो हो जो प्लाज्मा में होता है जो लीक हुआ हुआ है, ठीक है। और फिर उसका तो बफर होना चाहिए कि जो या तो बाइकार्बोनेट की सूरत में हो या उसका किसी पर प्रिकर्सर की सूरत में हो जो कि एसीटेट लैक्टेट मैलेट और ग्लूकोनेट हो सकता है। इसको शॉर्ट करने के लिए मैं बताता हूँ कि लैक्टेट इज द मोस्ट फेवर पर एसीटेट इज द मोस्ट फेवरेट, इसलिए आपको बैलेंस सॉल्यूशन देना है। आपने चिट देते हुए बहुत लेट कर दिए।